सो ये हम अपनी रिजॉर्ट में एंटर करते हुए, रोजेटा बाई फर्न्स इज द नेम ऑफ दिस यार ये प्रॉपर्टी। तो जंगल के बीच पे ये प्रॉपर्टी है, मजा आने वाला है यहाँ। लगेज स्कैनिंग का सेटअप है, लगेज हमारी स्कैन हो गई है। सो मिस्टर डीके, लेट्स गो इन अ बगी। मेरी हैड लंच देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड थिएटर। ओके, वी सर्व ब्रेकफास्ट लंच डिनर और थ्री टाइम्स एक बुफे। ओके, देयर इज अ वन मोर रेस्टोरेंट अबो, दिस कॉल्ड मर्चेंट्स ऑफ स्पाइस। There we served only for dinner, set menu, Indian restaurant, like okay. five course set menu. But there you need to book before 6. Okay. We have another restaurant called Amish. Okay. Other side of the property. Okay. It's pure veg. There we served only for dinner, a la carte. Okay. From the room we need any assistance, sir. Please go ahead. चलिए भैया, पानी में मत खड़े रहो आप। Wow, we have our own private entrance. Okay. Yeah, this is good. So, ये हमारी early morning cookies and tea time. सुबह का 7:30 हो रहा है और देखिए सामने से ना वहां से कितनी सारी चिड़िया लोग, ये चहचहाने की आवाज आ रही है। इट्स ब्यूटिफुल, दिस प्लेस इज अ हेवन। टैन मेरी चाय। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे टू एट रोजेटा और हम आपको ना आज थोड़ा इस प्रॉपर्टी का पूरा ओवरव्यू देंगे कि ये जगह वाकई में कैसा है, हाउ इज द प्लेस एंड है ना, इज इट worth visiting here or not. So I'll just give you a view overview of this property and a room tour as well. And you have this cupboard jo ki kafi spacious hai. Wow, light on hua. And you have this as well, locker and all in case you want to use it. So this is beautiful. Oh wow, look, you have the entire setup here Mr. DK. You have See, you have iron chhatri bhi de rakha hai and then you have this board, iron board also, and this is your luggage rakhne ka trolley ke liye. They have given the standee and look at this beautiful corner, you know, proper ek ye corner hai. Matlab mere ghar mein jo table chair hota tha na, wo chair ka design jo ye particular cheez hai na, is tarah ka hi hota tha. It's looking beautiful, nostalgic as well. And dude, look at this TV. And this full length mirror is just wow. बहुत मस्त है, बहुत amazing है. एक छोटा सा kitchenette भी दिया गया है. Oven, चाय वाय बनाना है, RO water and everything you have. काफी सारे drawers और closet दे रखे हैं. देखो इतना सारा तो हम use करने से रहे भाई साहब. सी है ना, इज द एलजी का छोटू सा फ्रिज, बेस्ट स्पेस वेयर आई एम टेकिंग यू टू नाउ. देखिए वाओ, ये सामने में ना कॉफी वगैरह का प्लांटेशन है ना, शेड्स डाल रखा है एंड आप एकदम नेचर के बीच में आ जाते हो यार. जस्ट सी, और यहाँ पे ये बैठने का स्पेस, इट्स अमेजिंग. बट ही इज टेकिंग रेस्ट, टायर्ड आफ्टर लॉन्ग डे ड्राइव. मिस्टर डीके, व्हाट आर योर फीडबैक अबाउट द रूम? जस्ट ऑसम. ये तो अपने आप में एंटीक है भाई. ये कॉर्नर पे एक और मिरर है और छोटू सा टेबल और चेयर.
सो आइए चलिए आपको वॉशरूम का एक टूर दे देती हूँ। सो बड़ी सी मिरर है और मस्त वाली एंड कुछ ऐसा दिखता है भाई। मैं बाथरूम के अंदर हूँ एंड देखो यहाँ पे ये हैंड शावर वगैरह दे रखा है एंड सी दिस इज द बेस्ट प्लेस। नाउ इट्स रेनिंग। हाँ ये देखो ओपन स्काई, ये यहाँ पे शावर है, गर्म और ठंडा पानी बोले दोनों आता है यार। इस जगह का एवरी कॉर्नर इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। बाय द वे आपको यहाँ पे टू बाथरूम्स मिल जाएंगे, मतलब एक तो ये है जो मतलब प्रॉपर क्लोज डोर बाथरूम है और एक उधर जो बाहर में मैंने दिखाया वो ओपन स्काई बाथरूम है ना। ये जो छोटू सा लेक आप देख रहे हो ना, ये मैन मेड लेक है, इन लोगों ने बनाया है इसे। और यहाँ ना एक नेचुरल लेक भी है जो कि उस तरफ है जो हम आपको दिखाएंगे। हाउ ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत है ये पूरी प्रॉपर्टी यार। देखो हम ग्रीनरी के बीच में मस्त वॉक कर रहे हैं, इधर पे ये और लेफ्ट में जंगल। और देखिए ये फ्लावर्स रेड कलर के बहुत क्यूट से हैं। सी ये प्रॉपर नेचुरल लेक है यहाँ पे, उधर जो मैंने दिखाया था वो मैन मेड था। रेस्टोरेंट के बाहर में बैठने की भी स्पेस बनी हुई है इन केस आप बाहर ब्रेकफास्ट ग्रैब करना चाहो तो। यहाँ पे सभी चीज, रेस्टोरेंट बोलो विलास बोलो, सब कुछ बिल्कुल नेचर के बीच में है। एंड जस्ट लुक एट दिस फॉरेस्ट, look at the sun, ये प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल है ना, मतलब देखो आप देखोगे मेरे पीछे पूरा फॉरेस्ट, सिर्फ आपको फॉरेस्ट दिखेगा। आइए चलिए यहाँ विद इन प्रमाइसिस इटसेल्फ ना एक चैपल है वो हम लोग देखते हैं चल के, है ना, वहाँ पे शादी वगैरह वेडिंग वगैरह की फंक्शन भी होती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस चर्च। Just enjoy the sound of these birds chirping. आइए चलिए आपको इस जगह के बीच में ले चलती हूँ। देख रहे हो दूर दूर तक आपको कुछ दिखेगी तो सिर्फ ग्रीनरी। ये जो प्रॉपर्टी है ना रोजेटा बाई फर्न्स, ये कुछ 100 acres की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी है। तो मैं तो पूरे जगह को आपको नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन जितना हो सकता है आई ट्राई टू कवर द मैक्स। रूम टूर आपको दे दिया है, चैपल दिखा दिया वो। देर आर 3 different types ऑफ रेस्टोरेंट, बेसिकली रेस्टोरेंट्स दे हैव। तो एक तो हम जहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और एक और मर्चेंट ऑफ स्पाइस करके है और एक पूल साइड पे भी है। तो वो चलिए मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ।
और इस जगह पे ना बस लगता है वॉक करते रहे और करते रहे। इतना ब्यूटीफुल सा, मतलब पूरे फॉरेस्ट के बीच में है ना। This is another pool side restaurant they have like, and ये रही वो पुल, और वहाँ पे बैठने के भी काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं, सो लाइक इट्स वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। सो हियर इज़ द मस्त वाला स्विमिंग पूल, और पूल के बगल में वो लेक भी है बहुत सुंदर सा, हैंडमेड, ये मैन मेड है बट। मस्त वाला सिट आउट एरिया भी है, अगर आप यहाँ बैठ के पूल साइड पे कुछ ग्रैब करना चाहो ना तो हल्का फुल्का कुछ यहाँ पे बैठ के खा सकते हो इस जगह पे। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, मतलब पुल साइड रेस्टोरेंट आप इसको, विद दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द लेक, एंड ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग। उस साइड पे आप जितने जो लेक के उस तरफ जो विलास देख रहे हो ना, वो जनरली इनका क्लब मेंबरशिप वाला विलास है, उसके लिए आप मेंबरशिप लेते हो तो यू कैन एन्जॉय द ऑफरिंग्स दैट रोजेटा है। सो हमारे जाने का टाइम हो गया और ये हमारी बगी रेडी है। सो हाउ वाज द स्टे, हाउ विल यू रेट दिस प्लेस? ऑसम, फाइव स्टार, ट्रूली फाइव स्टार है, ट्रू सेंस में ना, नकली वाला है, अमेजिंग था ना, अच्छे फैसिलिटीज। एंड व्हाट यू लाइक द बेस्ट अबाउट दिस प्लेस, सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस जगह के बारे में? बहुत सारा ग्रीनरी है और स्टाफ का बिहेवियर प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ, हाँ एटीट्यूड अच्छा है ना स्टाफ का, स्पेशियस है ये वाला, वही वही। उसको नहीं ऑनलाइन करो विवान एंड विवान को ये बगी चलाने का मन कर रहा है तो ही इज हैविंग हिज ओन मजे वाला टाइम। सो एंजॉयिंग दिस बगी राइड, इट्स अमेजिंग। और सबसे मस्त है ये बैटरी से चलती है तो मतलब बिल्कुल आवाज नहीं है तो अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। बारिश भी रुक गया था, हाँ आज बारिश नहीं हो रहा है ना। सो फाइनली जाने का टाइम आ गया इस ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट से, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो यस, हमने तो काफी एंजॉय किया, फूड बहुत अच्छे है यार, पूरा फार्म फ्रेश फूड आपको मिलता है, आप खाओगे ना एक एक बाइट में आपको फील होगी कि कितना टेस्टी और डिलीशियस फूड ये सर्व करते हैं। सो चलिए विद द ब्यूटीफुल व्यू, इट्स फाइनली टाइम टू से बाय। एंड अगर आपको हमारा ये रोजेटा पे स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, हिट द बेल आइकॉन, डू सब्सक्राइब, लेट मी नो योर क्वेश्चंस। बाकी का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ओके okay?